हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना हेयर स्टाइलर गुलबहार। आज की इस वीडियो में उस तरह को हमें कैसे पकड़ना है और उसकी प्रैक्टिस घर बैठे कैसे करनी चाहिए। यहाँ से आपने इस तरीके से पकड़ लेना है, एक फिंगर से और एक थंब से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे लिटल फिंगर है ये वाली, इसको हमने कहाँ लेके जानी है, यहाँ पे लेके आनी है, इसके अंदर इस तरीके से लेके आ जाएंगे और ये हमारा एंगल इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाली जो हमारी फिंगर है दो, अब इनको हमने यहाँ पे इस तरीके से रख लेनी है। तो ये हमारा जो है तरीका उस तरह पकड़ने का हो गया। जो नए बंदे होते हैं सीखने वाले, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बलून्स पे प्रैक्टिस कराते हैं। अब अगर आप बिगनर हो ना, नए नए सीखने वाले हो, तो आप सारा दिन बलून्स ही फुलाते रह जाओगे, क्योंकि बलून्स आपसे बहुत ज्यादा फूटते रहेंगे। ब्लेड नहीं डालना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करना है, अपने हैंड को ऐसे कर लेना है, उस तरह को पकड़ लेना है। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसको हल्का सा एंगल इसका तिरछा रखना है, बिल्कुल सीधा नहीं रख के चलाना है, हल्का सा ऐसे तिरछा रखना है। और इसको हैंड पे ऐसे रख के क्या करना है, ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से चलाना है, टाइट दबा के नहीं चलाना है, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से चलाना है। और इसको हम बंद कैसे करते हैं, हमने यहां से नीचे से ये उंगली निकालनी है और इस तरीके से हमने इसको ऐसे बंद करके पकड़ लेना है, ऐसे खोलना है और ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे खोलना है फिर ऐसे पकड़ लेना है। ये इसकी टेक्निक है। इसको ऐसे यहाँ से लॉक करके इस तरीके से हमने चलाना है, ठीक है। फिर हाथ को घुमाएंगे उस तरह को ऐसे करके। अब ये देखो हाथ घुमा लिया मैंने, इस तरीके से हमने हाथ घुमा के ऐसे चलाएंगे और ऐसे चलाएंगे, मतलब रोटेट, अपने हाथ को रोटेट करना है, चारों तरफ चलाना है, ठीक है। ऐसे नीचे भी, ऊपर भी, फिर ऊपर से भी, फिर नीचे से भी, ऐसे चारों तरफ से आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना है आपने, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना जो सीखने वाले हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से सीख जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और नई टेक्निक सीखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।